आतिक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। मरवाया इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। तो सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता हम लोग कुछ नहीं बोलते। शुक्रवार का दिन है, आज नमाज के बाद पटना में अतीक अहमद के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पटना जंक्शन पर नमाज अदा की गई, उसके बाद से अतीक अहमद के जिंदाबाद के नारों से पटना जंक्शन जो है वो गूंज उठा। वहां पर जो लोग नारा लगा रहे थे उन्होंने अतीक अहमद को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को फंसाया गया है और बुरे तरीके से जो है वो मारा गया है। उनका कहना है कि देश में कोर्ट है, कोर्ट फैसला करती तो हम मान जाते, मगर जिस तरीके से हत्या कराई गई है वो गलत है। पूरा बयान सुनिए, वहां पर जुटे लोगों ने आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से अतीक अहमद असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट मीडिया सरकार पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में। उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस ढंग से उनकी